हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से आपका स्वागत है संस्कारी क्रिएशन में। तो आज हम करने वाले हैं कुछ कैमरा ऑन फायर एडिट पिक्सआर्ट से और लाइटरूम की हेल्प से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो ये रहा हमारा बैकग्राउंड, और मैंने जो भी बैकग्राउंड और जो भी मैंने मटेरियल यूज़ किया है उसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करें और ऐसे फोटो बना सकते हो आप। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। तो इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद में आपको दिख रहा फिल्टर मैजिक जो भी दिख रही होगी, वहाँ पर दिख रहा ब्लर, ब्लर में फर्स्ट ऑप्शन, उसे कहते हैं टिक, हो गया ओके। तो कहने के बाद हमें करना है ऐड फोटो, तो ऐड फोटो कर लो। ऐड फोटो जो भी मॉडल की फ़ोटो है वो मैं ले आता हूँ यहाँ पर। तो मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर रखा है, आई होप कि आपको आती होगी, और अगर आपको नहीं आती है तो कमेंट करके बता देना, मैं बता दूँगा आपको कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाता है, ओके। तो चलिए यहाँ से मैं कर लेता हूँ, डन हो गया ये। डन होने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी जो क्या बोलते हैं भाई बताते हैं, हाँ PNG ऐड करनी फायर वाली। तो फायर वाली PNG नहीं ऐड करोगे तो आग कैसे लगाओगे कैमरे। तो चलिए मैं PNG अपनी ले आता हूँ फटाक से ऊपर, ओके। तो ये रहा हमारा फायर वाला PNG, बाबा फायर वाला PNG। ये तो बहुत सारे PNG नहीं है, 4-5 ही PNG है। आपको थोड़ी सी कष्ट होगी यूज करने, बट कोई नहीं, सीख जाओगे तो मज़े आएंगे। ऐसे शुरू में बहुत कष्ट होता है, ठीक है। तो चलिए ऐसे कर लेते हैं ब्लेंड, सबको हम करेंगे ब्लेंड, ओके। ब्लेंड ब्लेंड हमारी जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, जैसे आज स्क्रीन पे हम इसे कर देंगे ब्लेंड। तो देख सकते हो ये होगी हमारी स्क्रीन, ये भी होगी। तो पहले इसे यूज़ करते हैं भाई, इसे यूज़ करते हैं, इसे भी हम कर लेंगे। देख दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है, ब्लेंड हमेशा इफेक्ट हो जाता है। तो इसे हम ब्लेंड स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन पे जाने के बाद हम करेंगे, तो मतलब कुछ हेल्प कर दिया करो यार, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रही। इसे थोड़ा छोटा करके यूज करते हैं, हो गया। अब दूसरी को हम यूज करेंगे ऊपर से, क्या हाँ ऊपर से सही बात है, ऊपर से करेंगे। पहले वाला ज़्यादा बड़ा हो गया नहीं, हाँ अभी ठीक है। चलो तो हो गया हमारी सेट। अब इसे हम करते हैं सेट, तो कपड़े में आग लगा देनी है भाई, मतलब पहले वीडियो में आग लगा रहे हैं हमने। चलो कोई नहीं, अरे संस्कार ही है तो आग तो लगानी बनती है ना। चलो मैंने आग लगा दिया, ओके अब कर देंगे डन बिना देर किए हुए। तो एक और PNG है, उसे भी ऐड फोटो कर ही लेते हैं बिना देर किए हुए। तो चलो मैं चलता अपना गैलरी में, आग बंद कर ले भाई, जैसे गैलरी नहीं करनी चाहिए। चलो चलो तो ये हमारे लाइट वाले PNG होगी। तो हम इसे कर लेते हैं यहाँ से, क्या बोला ना आपको, ब्लेंड स्क्रीन। अब इसे हम कर लेते हैं, भाई ने जो पैन रखी ना वहाँ पे यूज़ करेंगे, इसे थोड़ा चमकदार बना देते हैं, मस्त वाली चमक आई इसको, तो है ना, देख सकते हो कितना बढ़िया सी ये चमक रहा। ओहो भाई तो ओह दिल छू गया भाई, मतलब चमक रही पूरी की पूरी। थोड़ा सा बड़ा करता है इसकी चमक, बढ़ाता है, यो ओके डन। तो यहाँ से हमारी पिक्सआर्ट का खत्म, काम खत्म। अब यहाँ से ड्रॉ टूल में जाना है, ड्रॉ टूल में जाने के बाद 3 डॉट्स पे करके सेव में, ताकि क्वालिटी आपकी बनी रहे घटे नहीं। तो हम चले जाते हैं होम पेज पे, होम पेज पे जाने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ इसे सेंड करता हूँ, कहाँ पे लाइट रूम में ऐड करते हैं और कहाँ पे ऐड करेंगे। अजीब हो यार, मतलब तुम भी उल्टा पुल्टा सोच लेते हो कुछ भी, है ना। तो लाइट रूम ओके, तो शेयर करते हैं लाइट रूम। लाइट रूम में होने के बाद मैं इसे ले आता हूँ लाइट रूम, ओपन करता हूँ मैं लाइट रूम, देख सकते हो मेरी लाइट रूम ऐड हो जा, ले ऐड हो गई।
तो मैं इसे आज स्टेप बाय स्टेप नहीं एडिट कर रहा हूँ, मैं एक प्रीसेट यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको प्रीसेट की ज़रूरत है कि भाई प्रीसेट दे दो और प्रीसेट क्या होती है बताना, तो मैं सब चीज़ बता दूंगा। भाई प्रीसेट कुछ होती नहीं, प्रीसेट होती है एक रॉ फाइल जिसकी कलर ग्रेडिंग आपकी कहीं भी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। और सॉरी पेस्ट सेटिंग देख सकते हो आप, एक बार में एडिट होगी, फ़ोटो हमारी एकदम धाकड़ होगी ना, तो ऐसे ही एडिट होगी एक बार में। भाई एक बार में एडिट हो जाएगी फ़ोटो हमारी, यही होती है प्रीसेट। तो प्रीसेट अगर आपको चाहिए होगा एक क्लिक में फ़ोटो एडिट करने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, मैं बता दूंगा। तो मैं थोड़ा सा मैच करूंगा अपने क्लोथ्स का कलर, तो चलिए हो गया। और इससे ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, और इससे मैं स्टेप बाय स्टेप बाद में बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया और आप लोगों को थोड़ा लंबा पसंद नहीं है। तो चलिए ओके, तो देख सको कितना भाई मतलब वाह छा गया गुरु तुझे। और इसे यहाँ से कर लेना शेयर, सॉरी ऐसे कर लोगे यहाँ से शेयर, शेयर टू एक्सपोर्ट मिलेगी आपको। एक्सपोर्ट में हाई क्वालिटी में जेपीजी में करना, दूसरे फाइल मत करना, हाई क्वालिटी में मिलेगी आपको। हाई क्वालिटी में करने के बाद आप भाई हट जा, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लियो। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ दिखेगी हाई क्वालिटी, टिक कर देना, यह हो जाएगी। तो मैंने कर रखी है, तो मैं फिर से नहीं कर रहा। ओके, तो भाई वीडियो कैसे लगी जल्दी बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और लाइक करो, सब्सक्राइब ठोको, और जो ठोकना है सो मत ठोको, बेल का आइकन प्रेस करना, ठीक है। और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।